नमस्कार, मैं उमांशी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर। बलौदाबाजार जिले में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। बलौदाबाजार में 8 फरवरी को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक आई के एलेशेला, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरिहा आलम सिद्दीकी, सीईओ संयुक्त कलेक्टर टेक चंद अग्रवाल ने आज सुबह जिला चिकित्सालय में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। टीका लगाने के पश्चात कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड से बचने के लिए टीकाकरण प्रभावी उपाय है। उन्होंने लोगों से अपील किया, जिन कर्मचारियों, अधिकारियों व फ्रंट वॉरियर्स का टीकाकरण के लिए नंबर आए तो अनिवार्य रूप से सभी टीके लगवाएं। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि कोविड 19 की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन लगाने उपरांत मामूली फीवर और जी मिचलाना, चक्कर आना जैसे लक्षण पाए जा सकते हैं, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं। सभी हितग्राही जिसका नाम कोविड पोर्टल पर पंजीकृत है, संबंधित सभी लोग टीकाकरण स्थल में जाकर टीका अवश्य लगाएं तथा वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लें। कोविड 19 टीका लगाने के उपरांत भी 2 गज की दूरी, साबुन से हाथ धोना तथा मास्क पहनना, अनुशासन का पालन अवश्य करें। बता दें कि जिले में आज दूसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें पुलिस, राजस्व एवं पंचायत विभाग के फ्रंट वॉरियर्स शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने बताया कि जिले में पहले चरण में 8894 लोगों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें 6659 लोगों ने टीका लगवाया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ वर्कर, हेल्थ स्टाफ, मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आयुर्वेद स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं कलेक्टर बलौदाबाजार सुनील कुमार जैन का इस पर क्या कहना है। कोविशील्ड का इंजेक्शन लगा है, टीकाकरण हुआ है, कैसे क्या देंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज जैसे ही टीकाकरण का शुभारंभ हुआ, पुलिस और आदि विभाग के लिए समय और इसके साथ लोगों ने प्रथम टीका लगाया है। और मैं लोगों को ही सलाह है मेरी कि जैसे ही उनका काम आए टीका जरूर लगवाएं, और टीका लगवाने के बाद भी जो कोविड से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं, जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग, उसका पूरा पालन करें। और टीके के बारे में जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं वो बिल्कुल आधार हैं, और आगे आकर के टीकाकरण कराएं। जैसे जैसे टीकाकरण हमारे जिले में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जिला जो है अग्रसर हो जाएगा। सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।